चलिए दोस्तों, ओपन कर लेते हैं सोलिडेज। आईएसओ ड्राफ्ट शीट सेटअप A4 सॉफ्टवेयर राउंड ऑफ फिट स्क्रीन। दोस्तों सबसे पहले है स्प्लिट कमांड। तो स्केचिंग में जाइए दोस्तों, यहां पर है स्प्लिट कमांड। तो दोस्तों इस कमांड को समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। दोस्तों मैंने स्प्लिट कमांड को समझाने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लिया है। जरूरी नहीं है कि इसी में हो, आइसोमेट्रिक में ही ये यूज हो। ये हर प्रॉब्लम है, ये हर प्रोजेक्शन ऑफ कैड के किसी भी प्रॉब्लम में यूज स्प्लिट कमांड यूज किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि स्प्लिट कमांड कैसे काम करता है। स्प्लिट कमांड चूज कीजिए। स्प्लिट कमांड किसी भी लाइन को या कर्व को या सर्किल को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता है या दो से अधिक हिस्सों में डिवाइड कर सकता है। तो चलिए दोस्तों इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड करके देख लेते हैं। तो जूम कीजिए, इस लाइन को सिलेक्ट करना है। ये एरो निशान आ गया कि हमने इस लाइन को सिलेक्ट किया है। अब हमको कहाँ से इसको अलग करना है, मतलब स्प्लिट करना है। तो आप देख सकते हैं ये मिड पॉइंट शो कर रहा है। तो यहाँ पर क्लिक करते ही ये लाइन दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाफ पोर्शन जिस पे मैंने क्रूसर ले रखा है वो रेड पोर्शन शो कर रहा है और अदर वाला ब्लैक शो कर रहा है। इस पे आएंगे तो अब यहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट हो गया है जिसे हम कि लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट शो करेगा यहाँ पर, जैसा कि देख सकते हैं आप। ये दोस्तों ये पॉइंट शो कर रहा है। इसी तरह आप मिड पॉइंट सिलेक्ट करके मिड पॉइंट भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास दो से अधिक लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो फिर से उसी लाइन को सिलेक्ट कीजिए और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। तो अब ये लाइन तीन हिस्सों में बढ़ चुकी है। फिर से अगर आप चार हिस्सों में डिवाइड करने चाहते हैं तो लाइन सिलेक्ट कीजिए। तो अब ये लाइन चार हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। तो आपको दिखा देता हूँ, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट। तो इसी तरह दोस्तों हम स्प्लिट कमांड का यूज कर सकते हैं। चाहे वो कैड की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप स्प्लिट कमांड का यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये आइसोमेट्रिक में ही यूज हो, मैंने बस एग्जांपल लिया है इसको समझाने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट है ऑफसेट कमांड। तो स्केचिंग में ट्रिम कमांड के पास में आपको ऑफसेट कमांड मिलेगा। तो ऑफसेट कमांड हम चूज कर लेते हैं। तो ऑफसेट कमांड में दोस्तों हम एक डायमेंशन के लाइन को उसके सेम डायमेंशन का दो या दो से अधिक लाइन बना सकते हैं। ये ऑफसेट कमांड का यूज है, जो कि अगर हम बार बार एक ही डायमेंशन के लाइन बनाएं तो ये ज़्यादा समय लेता है। इसी लिए ऑफसेट कमांड का यूज़ करके इस टाइम को ये हमारा टाइम रिड्यूस कर देता है। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। लाइन कमांड सेलेक्ट कीजिए,
एक 50 mm का लाइन लेता हूँ। ये 50 mm का लाइन लिया मैंने, तो मैंने यहाँ पर इसको वर्टिकली प्लेस कर दिया 90 डिग्री पे। मैं ऑफसेट कमांड चूज करता हूँ, ऑफसेट कमांड चूज किया। अब इस लाइन पे क्लिक करते ही यहाँ पर मेरे को डिस्टेंस मांग रहा है। जितना मैं डिस्टेंस दूंगा ये हॉरिजॉन्टली उतने डिस्टेंस पे आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों 20 देके देख लेते हैं, 20 देते हैं, इंटर करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने देखा ये सेम डायमेंशन का, आप किसी भी डायरेक्शन में डाल सकते हैं इसे, तो मैं इस डायरेक्शन में डाल सकता हूँ। अब आपको फिर से ये सेम लाइन बता रहा है कि 20 का और भी ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया, एक दो या दो से अधिक लाइन आप कंटिन्यूसली सेम डायमेंशन के ड्रा कर सकते हैं। तो ये मैं कंटिन्यूसली ड्रा कर रहा हूँ बाय क्लिकिंग। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे ये बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कमांड है, बिना किसी डायमेंशन दिए हुए है, और एक ही लाइन से हम उसकी जैसे कई लाइंस बना सकते हैं ऑफसेट कमांड का यूज करके। चलिए दोस्तों मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ ऑफसेट कमांड पे, थोड़ा डिफरेंट साइज में। दोस्तों पहले एक लाइन लीजिए, ये लाइन में इस तरह ड्रा करता हूँ। अब मेरे को दोस्तों सेम लाइन 10 सेंटीमीटर नीचे ड्रा करनी है, तो इसका भी ऑफसेट कमांड पे हम यूज करके इसको भी सेम लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो हमने ये ऑफसेट कमांड सिलेक्ट किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया, 20 जो भी आप डिस्टेंस देना चाहते हैं यहाँ पर दे सकते हैं, 20, 30, 10, वॉट एवर इट विल बी। तो मैं 30 देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ। अब ये शो कर रहा है आप कौन से अपवर्ड डायरेक्शन में लेना चाहते हैं या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं डाउनवर्ड में ले लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमको दे चुका है। अगर अब फिर से मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये हो जाएगा। तो अब मैं इसको एक शेप दे सकता हूँ लाइन से, तो ये एक शेप आ गया है। दोस्तों इसी तरह हम ऑफसेट कमांड का यूज कर सकते हैं, ये कमांड बहुत ही यूजफुल कमांड है। तो दोस्तों अगला है सिमेट्रिक ऑफसेट। तो यहाँ पर सिमेट्रिक ऑफसेट कमांड है, तो इसके पहले हम एक इस कमांड को यूज करने से पहले हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। लाइन ड्रा एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये वर्टिकल लाइन ड्रा किया, अब जाके हम सिमेट्रिक ऑफसेट कमांड सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम कमांड सेलेक्ट करते हैं यहाँ हमारे सामने ये एक पेज खुलता है। इस पेज में हमको विड्थ चूज करनी है, रेडियस चूज, रेडियस विड्थ आप दे सकते हैं, रेडियस आप दे सकते हैं। यहाँ पर तीन ऑप्शन है, लाइन, आर्क, ऑफसेट आर्क। तो पहले मैं आपको वन बाय वन सभी बता दूंगा, पहले मैं आपको लाइन बता देता हूँ। विड्थ दोस्तों आप यहाँ पर जो यहाँ से जो वर्ट हॉरिजॉन्टली जो लाइन ड्रा होगी उसकी विड्थ ये पूछ रहा है, तो इस लाइन से इधर की साइड जाएंगे 25 और इधर की साइड 25, टोटल 50 हो गया। तो चलिए दोस्तों मैं फिलहाल इतना ही रखता हूँ, और आप कैप फिलिट रेडियस भी यहाँ पर दे सकते हैं, वो मैं आपको ड्रा करने के बाद बताऊंगा कि वो क्या है। तो ओके कीजिए, लाइन को सिलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करते हैं तो आपके सामने एक रेक्टेंगल पोर्शन का ये आ जाता है। इस कमांड का यूज आप प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के प्रिज्म प्रॉब्लम्स में कर सकते हैं। जब हम ऊपर का प्रिज्म ड्रा कर रहे होते हैं तब, तो चाहे वो पेंटागनल हो या हेक्सागनल हो या रेक्टेंगल हो, आप ड्रा कर सकते हैं, चाहे वो ट्रायंगल क्यों ना हो। तो दोस्तों
ये जो है ये केव फिलेट रेडियस है, इस जो पोर्शन आ रहा है जो इसके कॉर्नर्स है वो थोड़े कंप्रेस हुए हुए हैं, ये है केव फिलेट रेडियस। जैसा कि मैंने दोस्तों कहा इधर वाला 25 हो गया, इधर वाला भी 25 हो गया, तो दोनों मिलके 50 हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब मैं ऑफसेट कमांड सिमेट्रिक ऑफसेट फिर से सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं चूज करता हूँ आर्क का। तो दोस्तों मैं विड्थ वही रख रहा हूँ, रेडियस भी वही रख रहा हूँ, बस मैंने लाइन की जगह आर्क ले लिया है और इसमें कोई के फिलेट रेडियस नहीं ले सकते क्योंकि ये पहले से ही फिलेट रेडियस तक जिस तरह उस तरह से आता है। तो ओके कीजिए और इसको लाइन को सेलेक्ट कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। तो ये एक आर्क के रूप में हमको पोर्शन मिला है। इस कमांड का यूज़ ज़्यादातर हम नहीं करते हैं कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो ये उतना खास नहीं है। मैंने बस बेसिकली आपको बताया ये काम क्या करता है। तो चलिए दोस्तों फिर से चलते हैं सिमेट्रिक ऑफसेट में। तो अब हम लेते हैं ऑफसेट आर्क। ऑफसेट आर्क में दोस्तों ये लाइन मिड पॉइंट पे रहेगी और उसके बाउंड्री पे एक बाउंड्री आ जाएगी इसके, जैसे कि एक प्लेग्राउंड होता है क्रिकेट का। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। आपको यहाँ पर आप विड्थ सिलेक्ट कर सकते हैं, रेडियस भी सिलेक्ट कर सकते हैं और लाइन में आप के फिलेट रेडियस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर ये आर्क और ऑफसेट आर्क में नहीं ले सकते। चलिए दोस्तों सिंपली क्लिक करते हैं, ओके करते हैं और इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा रहो दोस्तों, लाइन मिड पॉइंट में रहेगी और इसके आजू बाजू एक बाउंड्री ड्रा हो जाएगी जैसे कि एक प्लेग्राउंड। तो दोस्तों इसी तरह हम सिमेट्रिक ऑफसेट कमांड का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन मिलेगा, उस बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।